देख रहे हैं पुलिस की आवाज क्राइम का खुलासा। बीओ देश विदेश में तीर्थ स्थल कहे जाने वाले मथुरा शहर में हत्याएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन किसी न किसी की हत्या होना तय है। झाड़ फूक के चक्कर में लोग आए दिन नए नए कारनामे करते हैं। ऐसा ही एक मामला नौझील थाना के अंतर्गत गांव बैरई का, जहां तंत्र मंत्र के चक्कर में एक 5 वर्षीय बच्चे की हत्या कर दी गई। मीडिया से बात करते हुए ग्रामीणों ने बताया कि बल्लो पंडित और सुभाष हरिजन की कुछ पुरानी रंजिश है, जिसमें कुछ महीने पूर्व में कहा सुनी जुग गई और सुभाष की मौत हो गई, जिसमें बल्लो पंडित का लड़का जेल में है। अब कुछ समय पूर्व सुभाष के लड़के की मौत हो गई और सुभाष के पत्नी ने बल्लो पंडित को आरोपी बना दिया है, जबकि मृत बच्चे के चाचा तांत्रिक है और कुछ समय पहले तांत्रिक ने गांव में कुछ ऐसा किया कि गांव की महिला पागल हो जाती थी। किसी तरह गांव वालों को इसका पता चल गया और करीब 12 गांव की पंचायत हुए, तब जाकर तांत्रिक ने अपने जादू टोने को वापस किया। अब ग्रामीणों का कहना है कि जिस दिन प्रिंस की हत्या हुई उस दिन उस तांत्रिक को प्रिंस के साथ देखा था और तंत्र मंत्र के चक्कर में प्रिंस की हत्या उस तांत्रिक ने कर दी है। ग्रामीणों का कहना है कि बल्लो पंडित के परिवार को फंसाने के चक्कर में तांत्रिक और मृत बच्चे की मां ने बल्लो पंडित के परिवार का नाम लिखा दिया है। बल्लो पंडित का नाम इस हत्याकांड में जोड़े जाने के विरोध में पूरे गाँव में रोष है। मीडिया से बात करते हुए महिलाओं ने बताया कि जिस दिन प्रिंस की हत्या हुई उस दिन प्रिंस को तांत्रिक के साथ देखा था और बल्लो पंडित को फंसाया जा रहा है, जबकि हम महिलाओं और गांव के लोगों ने पुलिस को पूरी घटना से अवगत करा दिया है। महिलाओं का कहना है कि जिसका लड़का जेल में हो वो किसी की बच्चे की हत्या क्यों करेगा। क्या नाम है आपका? गुड्डी। अच्छा, कौन सा गांव है? बहरी। अच्छा, क्या मामला है? मटर। किसका? लड़के। कितना बड़ा लड़का था? 6 साल का। अच्छा, क्या नाम था लड़के का? प्रिंस। कैसे मर्डर हुआ उसका? उसे उठा ले गए यहाँ से। कौन ले गया उठा? पंडित का ही लेगा उठा के। क्या नाम है पंडित का? एक उन्हें नाम की मैं पता ना, जो जेल में वहाँ का नाम था मुख्य उसे, उसका नाम मुकेश और घर के गुआ के घर वाली का नाम गुआ शशि और वह छोटी का नाम गुआ माया। अच्छा, कितने लोगों ने हत्या की बच्चे की? 6 और 6 लोग कौन कौन है, किसी के नाम का? वही के घर के ही हैं सगरे। अच्छा, क्यों हत्या की? हम तो पहले तो नवोली के का नाम या राजीनामा कर लियो, हमने राजीनामा का नाम मने करी। नहीं, हत्या क्यों की उन्होंने? जब ही कही ना या तुम्हारे नहीं, हत्या करने से राजीनामा थोड़ी होगा और उनके लिए तकलीफ बढ़ेगी उनके लिए। बड़े वाले की कही, हमारे छोरे बाप की कही राजीनामा कर लिया, हमने राजीनामा नहीं किया। राजीनामा किस चीज का कर रहे थे? उसका ही कर रहे, बड़े वाले हमारे लाला के पापा मार दिए ना, उनके बारे में, उनके बारे में बोले। आपके लाला के पापा भी पहले एक्सपायर हो गए थे? हमारे लाला के पापा एक्सपायर नहीं करे थे। अच्छा, उन्होंने लड़का कर दिया हमने 6 साल को। अच्छा, तो क्या था मामला, कैसे कैसे लड़के का मर्डर हुआ, क्या था? घर ते ले गए उठा के। तो क्या, कितने बजे उठाया था? गोई उठो यहाँ ते ढाई तीन को टाइम हो। अच्छा, कैसे ले गए थे उठा के? ये पता ना, वहाँ के मुड़े ले गए, पैसा दिला के ले गए, वो हमें पता ही ना ऐसे ले गए। कितने बजे की बात थी ये? जी हमें तो पीछे की बात है, मैं चली गई नौजील, मैं नौजील चली गई। किस टाइम से उठाया था ये जानना चाहते है? यहाँ तो मैं चली गई 11 बजे, मुझे बात बात फिर मिलो ना, दो बजे आई बात बात, फिर मैं लड़का मिला नहीं है। अच्छा, फिर आप लोगों ने उसको ढूंढा नहीं? हमने ढूंढा, जांच पड़ताल नहीं की कि हमारा बच्चा है? नहीं मिला। अच्छा, फिर आपको कैसे पता चला कि बच्चे का मर्डर हो गया है कि क्या है? फिर गाँव वाले ने बताई। कैसे? कहू हम बोरिंग में लड़का पड़ो किसी का, जब हम वहाँ पे पहुँचे सगरे माते लड़के की, फिर मार बुलाए माटी जाके। अच्छा, जब जाए पता पड़ी। इसकी एफआईआर कराई है अभी? करी। अच्छा, क्या स्थिति थी जिस टाइम आपने लड़के को कुएं पे आपने देखा, क्या स्थिति थी उस लड़के की? उसकी बहुत हालत खराब। क्या थी स्थिति? सब यहाँ से यहाँ के खून निकल सक रहा, नारे रस्सी बन रही थी। अच्छा, परा था। अच्छा, तो कैसे अंदेशा हुआ कि इन लोगों ने मर्डर किया है या क्या है? हमें नहीं पता पड़ी। ये अंदेशा कैसे हुआ कि इन लोगों ने मर्डर किया है या क्या है? ये पता नहीं पड़ी। बच्चे को किसी ने उठाता देखा? उठा तो नहीं देखा, उठा तो देख लेते तो हम बता ही देते बात सब। हमें तो बाद उठाया, मैं तो पीछे। तो आपका शक का अंदाजे में है? हमें अंदाज वही कहा, सगरा शक है, मतलब सगरा शक वही कहा हमें पूरा पूरा, और सब काम ही हुई की। क्या नाम है उनका?
उसको नाम उसके बाप का नाम बल्लोल, हुआ का नाम बेटे का नाम मुकेश। वैसे क्या काम करते हैं वो? खेती बाड़ी का ही। क्या नाम है आपका? मिथुन। अच्छा, ये कौन सी जगह है? बहराई। क्या मामला है? ये मामला ये है, 3 महीने पहले सुभाष की मृत्यु हो गई थी, उनके बल्लोपन जी के लड़के के हाथ मुकेश। अच्छा। वो अभी जेल में है। उसके बाद 19 तारीख को इनके लड़के का अपहरण हुआ था। अच्छा। 20 तारीख को मृतक मिला जंगल में, बोर में। अच्छा। और शक के वहाँ पर 6 बार नाम करना नाम रिपोर्ट करी है। शक के आधार पे आप लोगों ने 6 लोगों के नाम रिपोर्ट किया है। क्या कौन कौन लोग हैं जिनके खिलाफ आपने FIR दर्ज की? एक ही परिवार है वो। क्या नाम है उन लोगों के? एक तो बल्लोपण जी है जी। और उनके बालक बच्चे हैं, उनके सबन के नाम वो पता हो रहा। अच्छा अच्छा, तो क्या था मामला कि बच्चे को कैसे उठाया गया, कि कौन लेके गया था, किस समय लेके गया था? शक है और तो कोई है नहीं। शक की बात नहीं कर रहा हूँ, कैसे बच्चे को लेके गए थे, क्या था? कैसे लेके गए हमें क्या पता, ये हमें पता है। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि बच्चा वहाँ पे मृत है? वो वहाँ पे ग्वार या भैंस चरा रहे, उन्होंने सूचना दी। अच्छा, ये किसने बताया कि उन्होंने बच्चा उठाया आपका? शक के आधार पर। शक के आधार से पहले केस से जुड़े हुए थे इसलिए। वैसा कोई एविडेंस नहीं है? नहीं। किसी ने मतलब उसको ले जाते हुए नहीं देखा? ना। तो हाँ। किस समय की घटना थी ये जो बच्चे के साथ? 11 बजे के बाद। अच्छा, आपको पता कब चला, किस समय पता चला कि बच्चा अभी मृत है आपका? मृतक मिला उसमें सुबह 9 बजे। सुबह 9:15 बजे के समथिंग। तो आपने अभी इसमें कोई कानूनी कार्रवाई की, किसी अधिकारी को अवगत कराया? हाँ, हो रही है। अच्छा, मृतक के परिवार में से एक तांत्रिक भी है, हमने सुना है। वो किस तरह की तांत्रिक विद्या करते हैं? वो हमें तो पता नहीं, बताएंगे उनके बारे में? तो गांव वाले बताएंगे किस तरीके के तांत्रिक है, वो हमें तो पता है नहीं। जैसा कि ग्रामीणों ने बताया है कि मृतक के जो बच्चा मरा है उसके परिवार में उनके एक चाचा हैं जो कि तंत्र विद्या करते हैं। कुछ समय पूर्व भी उन्होंने एक ऐसी तंत्र विद्या की थी कि जिससे महिला जहाँ जाती थी तो पागल हो जाती थी। अच्छा, कुछ लोगों के साथ मिलकर। ऐसा कोई मामला, क्या मामला है? ऐसा तो हमारे सामने तो आया नहीं है। अच्छा, उनका कोई चाचा तांत्रिक है? नहीं तो क्या नाम है? क्या नाम आपका? मेरा ओमिर नाम है मेरा। अच्छा, कौन सी जगह है ये? ये भैरे गांव है। अच्छा, क्या मामला है जो ये आज इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पे? मामला ये है कि एक मासूम बच्चे की हत्या इस गांव में पहली बार हुई है, जब से ये गांव बसा होगा, और मेरे बुजुर्ग भी यहाँ खड़े हैं, पहली घटना हुई है यहाँ पे, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। और मैं संवेदना भी व्यक्त करना चाहता हूँ, जिसका बच्चा मरा है वो दर्दनाक मौत हुई है जी। और उसके बाद एक दूसरी बात बताता हूँ, जिसका लड़का जेल में बंद हो ये घटना कभी नहीं घट सकता, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। अच्छा, कोई व्यक्ति हो। क्या घटना है, कौन है, क्या? देखिए, घटना ये है कि जिस हरिजन भाई का जो बच्चा मरा है, तो क्या नाम है उस हरिजन का जिसका बच्चा एक्सपायर हुआ है? उसका बच्चा जो एक्सपायर हुआ सुभाष नाम है उसका। अच्छा। और वो पहले पूर्व में मतलब मर चुका है वो पहले। अच्छा अच्छा। हाँ, और दूसरी बात ये है कि उसका एक चाचा है आकाश, जो तांत्रिकगिरी करता है, और सारे गांव वालों को पता है। एक बार ऐसा हुआ हमारे गांव में, एक हमारी पथवारी में ही आया पल्ली तरफ, गांव से पल्ली तरफ, तो उसमें उसने मतलब 4-6 तांत्रिक बुलाए उसने। 4-6 तांत्रिक बुलाने के बाद उसने जो अपना क्रियाक्रम किया, जो भी हमारी बहन, जो भी माता हमारी वहाँ पे माता पर जाती, वो पागल हो जाती बिल्कुल, वहाँ पे खेलते लगती। हमारे गांव की पंचायत हुई वहाँ पे, क्षेत्र की पंचायत हुई हमारी। तो उस तांत्रिक ने फिर उसको वापस लिया, जब जाके हमारी माँ बेटियों की जान बची। अच्छा, ऐसा क्या किया था तांत्रिक ने पथवारी पे कि माता बहने पागल हो जाती थी, और किस माध्यम से आपको पता चला कि इसने किया है? आप कुछ भी समझते हैं, बलि भी चढ़ा सकता है वो, किसी की हत्या भी कर सकता है वो, तांत्रिक का क्या है? तांत्रिक तो कुछ भी कर सकता है।
ये तो डेफिनेटली है कि कुछ भी कर सकता है तांत्रिक, तो अपने बच्चे को भी कर सकता है, उसके दिल की बात है तो वही जाने। अच्छा तो फिर अब क्या हुआ है उसमें? अब उसमें ये हुआ है कि अब हमारे एक पंडित हैं, हमारे बल्लू पंडित हैं यहाँ पे, जिन पे ये निर्दोष ये जो लगाया जा रहा है, ये जो निर्दोष बयान जो दिया जा रहा है, जो FIR जो लॉन्च हो रही है वो जी, तो ये हम कह रहे हैं कि पूरा गांव कह रहा है कि पंडित बिल्कुल निर्दोष हैं और ये तांत्रिक का काम है।